हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। साथ में कैश बैंक अकाउंट बना रहे हैं इन केस वी रिक्वायर्ड दैट इफ द क्वेश्चन आस्क। प्रोसीडिंग क्वेश्चन नंबर 53। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। They admit C as a partner for 1 April, on 1 April 2020, on that date the balance sheet is this. You are required to prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of the new firm. Date nahi mention kyunki dono balance sheet ek hi din mein banti hai. C brings 30,000 as capital and he also brings 10,000 for his share of goodwill. 30,000 capital, 10,000 goodwill. Part of stock has been included at a cost of 2,000, had been badly damaged in storage and could only expect to realize 400. 2000 का स्टॉक बुरी तरह से खराब हो चुका है और वो सिर्फ 400 दे पाएगा, तो थोड़ा लॉजिक लगाइए। 400 से कम नहीं करना, 400 तक कम करना है 2000 को, तो हम 1600 से कम करेंगे। 2000 कहीं नहीं जाएगा, 400 कहीं नहीं जाएगा। टोटल स्टॉक है 20,000, ध्यान दीजिए, टोटल स्टॉक है 20,000। उसमें से दो पार्ट है, एक 2000, एक 18,000। टोटल स्टॉक इज 20,000, वन इज S1, अदर इज S2। S1 इज 18, परफेक्टली ओके। S2 इज 2000, वो 400 तक आ गया, तो 1600 से उसे कम करेंगे। बैंक चार्जेस 200 फॉर द ईयर वर नॉट रिकॉर्डेड, इंपॉर्टेंट, बैंक चार्जेस रिकॉर्ड करने हैं, बैंक से कटेंगे, बैंक से पैसे जाएंगे। एक तो खर्चा हो गया बट आउटस्टैंडिंग नहीं है, पेड है, तो द जर्नल एंट्री वुड बी बैंक चार्जेस टू बैंक एंड देन रिवैल्यूएशन टू बैंक चार्जेस, जैसे हमने बैड डेट्स रिकवर्ड वाला पॉइंट किया था। बैंक चार्जेस टू बैंक, देन रिवैल्यूएशन टू बैंक चार्जेस। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 3000 वर नॉट रिकॉर्डेड, डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग, बिल्डिंग में से माइनस, रिवैल्यूएशन टू डेप्रिसिएशन। अ क्रेडिट परचेज ऑफ 6 गुड्स 800 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स बट हैव बीन इंक्लूडेड इन स्टॉक। 800 के क्रेडिटर्स बढ़ गए, स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक में ऐड किया हुआ है, लिखा हुआ ना, बट हैड बीन इंक्लूडेड इन स्टॉक, स्टॉक में ऐड किया हुआ है, तो किस में ऐड नहीं किया, क्रेडिटर्स में, क्रेडिटर्स बढ़ गए। जिनसे आप उधार में गुड्स खरीदते हैं वो होते हैं क्रेडिटर्स, जिनसे आप उधार में गुड्स खरीदते हैं वो होते हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बढ़ गए। एन एक्सपेंस ऑफ 1200 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज डेबिटेड टू P&L फॉर द ईयर बट 600 फॉर दिस रिलेटेड टू द पीरियड आफ्टर 31st March। 1200 का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, उसमें से 600 प्रीपेड है, सो 1200 में से 600 तो पे करना था, वो तो पे कर दिया, 600 प्रीपेड है, तो प्रीपेड इंश्योरेंसेस आर एसेट। बैलेंस शीट में अगर आप ध्यान दें, ऐसा कुछ है नहीं, वैन ऐसे कुछ नहीं, दैट मींस एग्जिस्टिंग गुडविल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, P&L एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जनरल रिजर्व, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद द सम रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टॉक की वैल्यू कम होगी, ए पार्ट है, सी ब्रिंग्स 30,000 कैपिटल, 10,000 गुडविल, दैट विल बी इन कैपिटल अकाउंट। स्टॉक बैडली डैमेज, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, टू स्टॉक 1600, टू बैंक चार्जेस, टू हंड्रेड, टू डेप्रिसिएशन 3000, टू क्रेडिटर्स, सभी में नुकसान ही हुए 800। स्टॉक खराब हो गया, बैंक से पैसे चले गए, खर्चा हो गया था, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, क्रेडिटर्स बढ़ गए, प्रीपेड इंश्योरेंस इज एसेट, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 600। द बैलेंसिंग फिगर वी हैव इज लॉस। बैलेंसिंग फिगर रिवैल्यूएशन का लॉस आ रहा है, टोटल है 3,48,56,5,000 by revaluation loss 5000
divided among A and B in the ratio 3:2. Yes, मैं बैंक चार्जेस की एंट्री डलवा देता हूँ समझाने के लिए. बैंक चार्जेस आउटस्टैंडिंग नहीं है, पे हो चुके हैं. बैंक चार्जेस टू बैंक 200 एंड देन रीवैल्यूएशन टू बैंक चार्जेस 200. और स्टॉक को अगर समझाना हो, स्टॉक है 20,000 का, उसमें से 2,000 400 पे सेल होगा, तो 1600 का लॉस, बाकी 18,000 पे ही होगा. उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले हम ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट से, जो पुरानी बैलेंस शीट है वहाँ से ट्रांसफ़र एंट्रीज़ करेंगे. वट एवर वी हैव इन द ओल्ड बैलेंस शीट विल ट्रांसफ़र इट फ्रॉम दैट. वी हैव ओनली कैपिटल्स, ओनली कैपिटल्स. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, 40,000. अब रिवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे. रिवैल्यूएशन का लॉस 3,000, 2,000. That's it. Now we'll make admission. अब पार्टनर को एडमिट किया जाएगा. पहली एंट्री बनेगी कैश टू सीज कैपिटल. Cash to seize capital by cash. फिर cash to premium for goodwill, cash account में जाएगा. फिर premium to A to B, by premium for goodwill. Premium हमारे पास है 10,000, जो कि डिवाइड होगा सेक्रीफाइसिंग रेशो में, जो कि है 3:2. सेक्रीफाइसिंग रेशो के बारे में कुछ नहीं गिवन, तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है. सो ओपनिंग कैपिटल, एडमिशन की एंट्रीज, ड्राइंग्स वगैरह कुछ नहीं है, ट्रांसफर एंट्रीज फ्रॉम बैलेंस शीट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट. लेट्स क्लोज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट to balance carry down, balancing figure. -3, -44, -2, -30, -0. Let's make balance sheet now. Balance sheet after cease admission. Balance sheet after cease admission. Liabilities amount, assets amount. Liabilities amount, assets amount. Starting from the liabilities, capitals. A, B, C. Closing capital 63,000,
42,000, 30,000, and the total is 1,35,000. Creditors. पुराने creditors हैं 20,000. अगर आप ध्यान दें, पुराने creditors 20,000 given है. क्या creditors की value बढ़ी? Yes, 800 से creditors बढ़ गए. ये वो creditors हैं जो हम record करना भूल गए थे, जिनसे हमने goods खरीदे थे. नीचे लिखा हुआ credit purchase of goods 800 were not recorded in the books but had been included in stock. कोई नई liability create की हो, जैसे outstanding salary, check करो revaluation account में debit side. कोई नई liability create की हो? No, we haven't. Moving to the assets. Building. Depreciate की है building 3000 से. 50 minus 3, 47. Building depreciate की है 50,000 minus 3000, 47,000. Plant and machinery. Plant and machinery 30,000. Intact, same 30,000. Stock. Stock 1600 से कम हुआ है. Stock 1600 से कम हुआ है. That is 18,400. समझ गए 18,400 कैसे? 18,000 का तो 18,000 में ही है, 2,000 का 400 में है, तो 18,000 ये 400 ये 18,400. या 20,000 में से 1600 माइनस कर दो, 20,000 का इंटायर स्टॉक माइनस 1600, और उसके दो पार्ट कर दो. वन इज 18,000, परफेक्टली 18,000, अदर इज 2,000 फॉर 400. सो 18,000 प्लस 400. डेटर्स. No bad debts, no provision as it is. Bank, I'll consider cash and bank. Because bank balance sheet में है, मैंने cash लिखे. 10,000 plus capital 30,000 plus premium 10,000. प्लस माइनस कोई एडजस्टमेंट, जैसे ड्रॉइंग्स हो गई, बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया. वी हैव बैंक चार्जेस, 200 रुपए के बैंक चार्जेस हैं, माइनस 200. सो 10,000 पहले से थे, 30,000 की कैपिटल आई, 10,000 का प्रीमियम आया, 200 बैंक चार्जेस कट गए, टोटल बना 49,800. Now we'll check, कोई नया एसेट तो क्रिएट नहीं हुआ है? कोई नया एसेट? स्टॉक, डन, बैंक चार्जेस, डेप्रिसिएशन. यस, प्रीपेड इंश्योरेंस 600. प्रीपेड इंश्योरेंस 600. Your balance sheet should match. Let's see if it is matching. The total of asset side is 155,800. And on the liability side is 155,800. Balance sheet is matching. 8 marker question it is. 8 number ka question hai ye. Let's make cash and bank account. Cash slash bank account. Two balance brought down, opening 10. Two balance brought down, opening cash 10,000. Two seized capital 30,000. Two premium for goodwill 10,000. By bank charges 200.
balance brought down, opening, C's capital, premium and bank charges. The balancing figure would be balance carry down. By balance carry down, balancing figure 49,800. This 49,800 will be shown in the balance sheet that we have already shown it. We have show kar chuke. Cool? अगर जनरल एंट्रीज की बात की जाए तो तीन एंट्रीज बन जाएंगी रिवैल्यूएशन की, एक क्रेडिट, एक डेबिट, एक प्रॉफिट लॉस. तीन एंट्रीज रिवैल्यूएशन की, एक डेबिट, एक क्रेडिट, एक रिवैल्यूएशन लॉस. दो एडमिशन की, कैश और प्रीमियम, और एक बैंक चार्जेस की एंट्री. सो 3 + 2 = 5 + 1 सिक्स एंट्रीज हैं. ये छह एंट्रीज डाली जाएंगी जब नया पार्टनर एडमिट होगा. These are those six entries that require to be posted at the time of admission. Let's read out the next question. The next question we'll do is question 52. Question number 52. Rajesh and Ravi let me mark the questions jo humne kar liye hain. Rajesh and Ravi are partners sharing profits in the ratio 3:2. Their balance sheet as at 31st March stood at this. इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट है हिडन गुडविल, जो हमने पहले भी किए. रमन इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूसिंग अ कैपिटल ऑफ 16,000. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड एट 5:3:2. रमन इज अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल. रमन गुडविल में कुछ भी नहीं लेके आ पा रहा. So it is decided to value the goodwill on the basis of Raman's share in the profits and the capital contributed by him. तो हम goodwill value करेंगे जितनी capital वो लेके आ रहा है, means hidden goodwill. पहले total capital निकालेंगे, फिर actual capital निकालेंगे, फिर difference goodwill आ जाएगा उसका share. Premium वो नहीं लेके आ रहा, current account से लेंगे. Sacrificing ratio में divide करेंगे जो compute की जा सकती है. Check करेंगे new ratio given है 5:3:2. क्योंकि न्यू रेशो गिवन है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कंप्यूट की जा सकती है. फॉलोइंग रिवैल्यूएशन आर मेड, स्टॉक टू डिक्रीज बाय 5%. स्टॉक को 5% से कम करो. अगर लिखा होता स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 5%, याद है अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड सीपीएसआर में क्या था, 100/95, 100/105. आगे भी दोबारा ये पॉइंट आएगा अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड वाला. 55 क्वेश्चन में ये पॉइंट है, सी पॉइंट. तो अभी के लिए स्टॉक को 5% से कम करना है, सिंपल 5%. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज 5%. दिस इज न्यू प्रोविजन. फर्नीचर इज टू बी डिक्रीज्ड बाय 10%. फर्नीचर को वैल्यू 10% से कम करनी है. बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 40. ऊपर चेक कीजिए, बिल्डिंग है 35. ऊपर बिल्डिंग है 35, हमने 40 पे लेके आना है. बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाना है, बिल्डिंग को 5,000 से बढ़ाएंगे. Show necessary ledger accounts and balance sheet. Please underline ledger accounts. When they say ledger accounts, they mean to say revaluation, partners capital and cash. Cash account bhi isi ka part hai. When only ledger accounts are asked, has been asked, so cash and bank account are also to be prepared along with. Let's start with the sum. Sum shuru karte hain. Question number 52, make a format.
Raman is admitted for a new partner with a capital of 16,000. New ratio is 532. Raman is unable to bring ये सब capital account की information है. Stock is decreased by 5%. Stock की value कम हो रही है. Stock की value कम हो रही है तो it's a loss. This side to stock. 5% of 15,000. 15,000 का 5% is 750. टू स्टॉक 750. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी 500. दिस इज न्यू प्रोविजन टू बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन. Furniture is to be decreased by 10%. Furniture asset की value कम हो रही है. टू furniture 5,000. No, 10% कम हो रही है तो 500. 5,000 तो पहले से है. 10% मतलब 500. Building is 40. ऊपर building है 35. Building की value 5,000 से बढ़ रही है. Buy building 1,000. Building 35, 40, 5,000 से इंक्रीज कर गई बिल्डिंग. सो स्टॉक 5% से कम हुए. न्यू प्रोविजन 500 मेंटेन हुई है. 400 पहले से तो ये 500 न्यू प्रोविजन चाहिए. 400 पहले से थी तो 100 की और प्रोविजन रिक्वायर्ड थी. फर्नीचर 10% से कम हुए और बिल्डिंग 5,000 से बढ़ी है. लेट्स क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट. द बैलेंसिंग फिगर इज प्रॉफिट टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिवाइडेड अमंग राजेश एंड रवि. $750 + $100 + $500 - $5,000. $3,650. Revaluation profit is $3,650. In the ratio 3:2, 2190. $1,460. This is all about revaluation account. Now partners capital account. Rajesh, Ravi, Raman. सबसे पहले हम ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट से. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्रांसफर इट फ्रॉम द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में वी हैव कैपिटल्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. राजेश की कैपिटल 29,000, रवि की कैपिटल 15,000, राम की कैपिटल नहीं है. अब बैलेंस शीट में से और क्या ट्रांसफर होता है. एग्जिस्टिंग गुडविल, जनरल रिजर्व, पी एंड एल एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, स्पेसिफिक रिजर्व में वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो कुछ भी नहीं है. अब ट्रांसफर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से. वी हैव रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट्स 2190-1460. That's it. अब हम एडमिशन करेंगे. एंट्री बनेगी कैश टू रमन्स कैपिटल. कैश टू रमन्स कैपिटल बाय कैश
रमन की कैपिटल है 16,000। फिर कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम वो नहीं लेके आ रहे। फिर राम्स करंट टू राज टू रवि बाय रमन्स करंट अकाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशो में क्या है नहीं पता। तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है ओल्ड, अगर कुछ ना हो। इस क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल सकते हैं। लेट्स कंप्यूट दैट। राजेश रेशो, दिस इज वर्किंग नोट वन, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। राजेश रेशो रवि इज 3:2 ओल्ड। राजेश रेशो रवि रेशो रमन इज 5:3:2 न्यू। सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। राजेश 3/5 माइनस 5/10 इट्स 1/10। रवि 2/5 माइनस 3/10 इज 1/10। सो द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 1:1 में डिवाइड करेंगे। प्रीमियम 1:1 में डिवाइड किया जाएगा। प्रीमियम है कितना नहीं पता तो हम गुडविल कंप्यूट करेंगे। नंबर टू, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, सबसे पहले टोटल कैपिटल। हाउ मच इज टोटल कैपिटल? रमन्स कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। हिज शेयर इज 2/10 तो रेसिप्रोकल हुआ 10/2। 2/10 समझ आ गया आपको। न्यू रेशो गिवन है 5:3:2 तो दिस इज द शेयर ऑफ न्यू दैट इज 2/10। सो रमन की कैपिटल है 16,000 इंटू 10/2 विच इज 80,000। अब निकालेंगे एक्चुअल कैपिटल। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्चुअल कैपिटल? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ये एसेट्स हैं 86,500 और लाइबिलिटीज हैं 38,500 माइनस 400। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, यस और नो? बट हमें नए एसेट्स चाहिए तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज में आप करेंगे कैश प्लस कैपिटल स्टॉक प्लस 750 प्रीपेड इंश्योरेंस 1500। मतलब सारे नए एसेट्स माइनस नई लाइबिलिटीज, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। या फिर एक्चुअल, दोनों मेथड से करेंगे आंसर सेम आता है। ये एक्चुअल कैपिटल क्या हो जाएगी? राज कैपिटल प्लस रवि कैपिटल प्लस रमन्स कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, याद होगा, प्लस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। सो राज कैपिटल 29,000 प्लस फ्री रिजर्व्स, मतलब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड ऑल। सो राज कैपिटल इज 29,000, रवि कैपिटल इज 15,000, रमन कैपिटल इज 16,000। फ्री रिजर्व्स में हमारे पास आ जाएगा जनरल रिजर्व, P&L, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, IFR जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। सो द एक्चुअल कैपिटल कम्स आउट टू बी 29,000, 15,000, 16,000, 3650, 63,650। ये बेसिकली वही कैपिटल आएगी जो कैरी डाउन होगा। टू बैलेंस कैरी डाउन, जो तीनों को प्लस करेंगे वो यही आएगा। जस्ट आपको समझाने के लिए, हमें जब हिडन गुडविल निकालनी होती है हमें क्लोजिंग कैपिटल चाहिए होती है। दिस इज बेसिकली
सेम एज टोटल ऑफ न्यू कैपिटल्स दैट इज बैलेंस कैरी डाउन, तभी हम फ्री रिजर्व्स ऐड करते हैं. सो हाउ मच इज गुडविल? गुडविल इज टोटल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल. टोटल कैपिटल 80,000, एक्चुअल कैपिटल नॉट अचकोल एक्चुअल कैपिटल 63,650. सो द डिफरेंस इज 16,350. हाउ मच इज प्रीमियम? 16,350 इंटू 2/10, 3,270. वो नहीं लेके आया इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1. 16,35. ये क्वेश्चन कराने का लॉजिक यही था. दिस इज द ओनली लॉजिक टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन गुडविल. लेट्स क्लोज द कैपिटल अकाउंट नाउ. टू बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर. $32,825 is the capital of first partner. $18,095 is the capital of another partner. And $16,000 is the capital of third partner. अगर आप तीनों की कैपिटल को प्लस करेंगे $32,825 + $18,095 + $16,000 वो ही आ रहा है जो मैंने आपको बताया था, सेम कैपिटल कैरी डाउन. दोज हु आर डूइंग दैट दे विल फाइंड द डिफरेंस. वो डिफरेंस वही है प्रीमियम का. So, same as total of new capital that is balance carried down, exclusive of premium. क्योंकि premium ही तो calculate करना है. Premium के exclusive. Premium के अलावा. Means, 63650 में अगर आप 3270 plus कर देंगे तो वो यही आएगा. Let's make the balance sheet now. Make a format. Balance sheet. Balance sheet after Ramam's admission. Liabilities amount, assets amount. Liabilities amount, assets amount. मैं लिख रहा हूं after Ramam's admission. आप यहां पर लिए भी लिख सकते हैं after reconstitution. ये आप लिख सकते हैं आफ्टर ऑन 31st मार्च 2020. लिखना जरूरी है एज ऑन 31st मार्च 2020, आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन या आफ्टर रमन्स एडमिशन. स्टार्टिंग विद द लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स 38,500, नो चेंज एज इट इज. आउटस्टैंडिंग रेंट, no change as it is. Capitals, Rajesh, Ravi, Raman, 32,825, 18,095, 16,000, 66,920.
कोई नई लायबिलिटी क्रिएट की है तो रिवैल्यूएशन में चेक कीजिए, डेबिट साइड पे कोई नई लायबिलिटी क्रिएट की हो जाएगी नहीं है। मूविंग टू द एसेट साइड, कैश एंड बैंक, पुराना कैश है 2000 प्लस कैपिटल 16,000 प्लस प्रीमियम नहीं है। मैं जीरो इसलिए डालता हूँ ताकि याद रहे कि हमने बाद में करंट अकाउंट पोस्ट करना होगा। सो द टोटल इज 18,000। स्टॉक 15 माइनस 750, स्टॉक 15,000 माइनस 750 14,250। प्रीपेड इंश्योरेंस एज इट इज 1500। डेटर्स 9400 माइनस बैड डेट्स माइनस न्यू प्रोविजन, द न्यू प्रोविजन इज 500। सो टोटैलिटी इज 8900। टोटल मींस माइनस करके जो आ रहे हैं, मशीनरी 19,000 एज इट इज इंटैक्ट नो चेंज, बिल्डिंग 35,000, बिल्डिंग 5,000 इंक्रीज की है सो दैट वुड बी 40,000, फर्नीचर 500 से कम हुआ है दैट इज 4,500, चेक करें रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड कोई नया एसेट क्रिएट तो नहीं हुआ है, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड कोई नया एसेट क्रिएट हुआ होगा तो डाल देंगे, नहीं है। लेफ्ट विद करंट अकाउंट, रमन्स करंट अकाउंट जो वो पैसे लेके नहीं आया, दिस वन 3270। एक साल बाद मैं ये पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। वंस एक साल के बाद जब रमन को आईओसी मिलेगी, रमन को सैलरी मिलेगी तो हम रमन के करंट अकाउंट से ले लेंगे। दैट मीन्स जब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे लाइक दिस, हेयर आई एम मेकिंग दैट P&L appropriation account by net profit to IOC to salary to divisible profits X Y Z को तो मिलेगा, मतलब राजेश, रमन और रवि को तो मिलेगा बट रमन को 3270 कम मिलेगा, इसलिए हम पहले ही यहां लिख देंगे टू रमन्स करंट अकाउंट, समझे। अभी रमन करंट अकाउंट से पैसे लेने हैं तो जब वन ईयर कंप्लीट होगा और P&L appropriation अकाउंट बनेगा तो हम पहले ही रमन अकाउंट से ले लेंगे, जो रमन को आईओसी सैलरी मिलेगी एक साल के बाद हम उसके अकाउंट से तब ले लेंगे कि ये प्रीमियम अभी नहीं दे पाया, तो P&L appropriation अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा टू रमन्स करंट अकाउंट। अब आप सोच रहे होंगे अगर इतनी सैलरी ना हो तो पड़ा रहेगा, जब तक उसको सैलरी आईओसी प्रॉफिट इतने नहीं मिलेंगे 3270 तब तक ये बैलेंस शीट में इंटैक्ट रहते हैं। नेवर्थलेस बैक टू द टॉपिक, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है बट आपको समझा दिया ये करंट अकाउंट का लॉजिक है। लेट्स चेक द टोटल ऑफ बैलेंस शीट नाउ। ऑन द लाइबिलिटी साइड इज 109,420, and same as the asset side the total of the balance sheet is 109,420। aur is question ka sabse main point tha hidden goodwill, short questions mein hum pehle kar chuke hain ab long question mein kiye hai।
आई थिंक आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर. पॉइंट क्लियर हो गया आपको. दैट्स इट. अगेन अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, पहले आप TS गरेवाल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, नॉट रीवैल्यूएशन. लेट मी कंप्लीट दिस टॉपिक. स्मॉल क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए. इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इसकी जर्नल एंट्रीज डाल लीजिए. हर क्वेश्चन में जिसमें जर्नल एंट्रीज में नहीं डलवा रहा हूँ, पास ऑल द जर्नल एंट्रीज. शो मी, आई विल चेक दैट. दैट्स इट. टुमारो आई गेस वी नीड टू मोर लेक्चर्स. दो को लेक्चर्स अभी और लगेंगे इस टॉपिक से, दो से तीन. देन विल मूव टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज कैपिटल एडजस्टमेंट. So tomorrow lecture number 12 will continue with revaluation account, partners capital account and balance sheet. Bye bye.